शायद ही नाम मात्र के ऐसे लोग होंगे जिनकी इतनी हिम्मत हो कि ये सपना पूरा होने के बावजूद उसे छोड़ने की हिम्मत करके आगे बढ़े। जी हाँ, आप सब जानते हैं कि मैं किन की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ हमारे क्राउन डायमंड मिस्टर अमित दुबे की, जिन्होंने MBBS की पढ़ाई के बाद ये सोचा कि मुझे क्योंकि समाज सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है, लेकिन अलग अंदाज में। डॉक्टर बनके तो शायद फिर भी उनका ये रेशियो बहुत कम होता, क्योंकि कुछ ऐसा वो करना चाहते थे जहां वो लार्ज स्केल पे लोगों की मदद कर सके, लोगों का साथ दे सके और उनके सेहत के लिए काम कर सके। तो इसी तरह 2016 में AWPL की उनकी ज़िंदगी में आगमन हुआ और उनका ये सपना पूरा हुआ, जहां ये AWPL के द्वारा आयुर्वेद को आगे बढ़ा सके और इस सपने के साथ अपना सपना पूरा कर सके। और आज वो जहाँ खड़े हैं वहाँ पे आप सभी जानते हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। आज वो सिर्फ MBBS नहीं, आज वो डॉक्टर हैं जिनको आप सभी मानते हैं। जाने कितने लोगों का दिमागी रूप से उन्होंने इलाज किया है, उन्होंने गाइड किया है, नेतृत्व दिया है और आज AWPL की बदौलत उनके पास लग्जरियस ड्रीम कार Jaguar XF है। अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी टीम में बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनके पास लग्जरी कार है, इट इंक्लूड्स जगुआर, ऑडी, मर्सिडीज, फॉक्सवैगन। सो आज वो हमारे साथ हैं, चलिए सुनते हैं उन्हीं की कहानी उनकी जुबानी। आप सभी से अनुरोध है, जोरदार तालियां, दमदार आवाज, लेट्स वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, क्राउन डायमंड मिस्टर अमित दुबे ऑन स्टेज। एवरीवन कम ऑन, हर हर मैदान फतह। परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। एवरीवन कम ऑन, दोनों तालियां कम ऑन। तेरी जुनू के आगे अंबर पड़ा ही मांगे। थैंक यू। 7 साल के बाद भी ताली अगर ऐसे हो तो मजा थोड़ी ना आएगा। ये जो समय है ना, आज का जो समय है, लोग अलग अलग तरीके से इसको समझाने की कोशिश कर रहे थे, मैं आपको साइंटिफिक बताने की कोशिश करता हूं। कोई भी जब पेड़ को बीज के साथ लगाया जाता है तो एवरेज जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी एवरेज टाइमिंग होती है 5 साल 6 साल और 7 साल। मतलब आपको उस पेड़ को जानवरों से बचाना पड़ता है, बाहर के लोगों से बचाना पड़ता है, लेकिन 7 साल के बाद अगर वो पेड़ खड़ा हो जाए उसके बाद आपकी 7 पुस्तकों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पेड़ हमेशा फल देते रहता है। मेरे दोस्त, 7 साल के अंदर एस्लिपियस ने जो कारवे किए हैं तो हम बोल सकते हैं एस्लिपियस ने कर दिया कमाल, और आने वाले समय में अभी होगा और बड़ा बड़ा धमाल, क्योंकि हम सब मिलकर करेंगे पूरे हिंदुस्तान को मालामाल। सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ लाइव बैठे हुए हैं और जितने लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें देख रहे हैं, आप सारे एस्लिपियस वेलनेस फाइटर्स को एस्लिपियस वेलनेस की 7वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। हम सबके लिए ये गर्व का विषय है क्योंकि 7 साल के अंदर न सिर्फ हमने ये 7 साल पूरे किए हैं, लेकिन 7 साल के अंदर हर साल एक नया इतिहास रचा है एस्लिपियस वालों ने, और ये हम सब के लिए शायद गर्व का विषय है। मैं बधाई उन लोगों को भी देना चाहूंगा जो अभी तक एस्लिपियस में आने की हिम्मत नहीं कर पाए हैं, कि अब जो हिम्मत करने का जो साहस कर रहे हो, अब वो भी शायद न आने की हिम्मत थक चुकी होगी, अब उसको सरेंडर करके जितने भी लोग देख रहे हैं या जो सोच रहे हैं, आप सबका वेलकम है, अब तो आना ही पड़ेगा।
दोस्तों मैं कुछ भी नहीं था, मैं आपको रियल बताऊं, एक सिंपल से परिवार से बिलोंग करता हूं, झारखंड का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट पलामू डिस्ट्रिक्ट, वहीं से मैं बिलोंग करता हूं। माय फादर इज फार्मर, वो किसान है और आज भी वो अपनी उस जिंदगी से निकलने नहीं है, आज भी उनको घर में रहना गांव में रहना बहुत पसंद आता है। अब पता नहीं ऐसा क्या था, बचपन से ही दिमाग में एक बात डाली गई थी कि पढ़ लिख के अच्छे लेवल पे जाना है, पढ़ लिख के आगे बढ़ना है, तो वो चीज़ माइंड में सेट हो गया था और इसलिए हमने अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई अच्छे से की। क्यों करना है, वजह कोई बहुत बड़ी नहीं थी, सीधी सी वजह थी डॉक्टर बनना है, क्योंकि बचपन में ही माइंड में किसी ने डाल दिया था। बच्चे के माइंड में एक बार चीज चली जाती है तो जल्दी निकलती नहीं है। रियल मायने में करियर का डर मेरे अंदर था नहीं, क्योंकि आई वॉज द ब्राइट स्टूडेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माई लाइफ, मैं शुरुआत से ही एक ब्राइट स्टूडेंट रहा था, तो करियर का डर नहीं था। मुझे पता था कि मैं जिस भी एग्जाम में बैठूंगा, अगर वहां पे दो ही कंपटीशन है तो एक नाम मेरा भी होगा, और अगर एक है तो पहला नाम मैं ले लूंगा, इतना मुझे कॉन्फिडेंस शुरुआत से ही था। और ये वजह भी थी कि एक रिकॉर्ड हमने अपनी जिंदगी में बनाया कि मैं आज तक जो भी काम किया हूं उसमें नंबर वन रहा हूं, तो फर्स्ट क्लास से लेके मैं इंटायर अपने स्टडी करियर में आज तक नंबर वन रहा हूं, तो डर बिल्कुल भी नहीं था। एग्जाम दिया और एग्जाम में क्वालिफाई कर दिया, मैंने कोई बड़ी तैयारी वारी नहीं की थी, मैंने बस जस्ट एग्जाम दिया और MBBS में क्वालिफाई कर गया था। लेकिन एक बहुत बड़ा सपना उस समय पूरा हो गया था, क्योंकि एक आम इंसान के लिए इस लेवल तक पहुंच जाना शायद बहुत बड़ी बात होती है, और मैं एक आम फैमिली से बिलोंग करता था, उस जगह तक मैं पहुंच गया था, देन माई माइंड वॉज वेरी स्टेबल। मैं ये सोच रहा था कि अब तो मेरी जिंदगी बदल गई, जिंदगी सेट हो गई, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सपना होता है वहां तक पहुंचना। और इन बिटवीन मेरे लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरी जिंदगी में आया। अब जब ये इंडस्ट्री मुझे देखने का मौका मिला था, तो मैंने इस इंडस्ट्री को 0.01% की वैल्यू दी थी। मैं आपको रियल बताऊं, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास बार बार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान से पूछते हैं कि सर आप इस इंडस्ट्री में कैसे आ गए। एक बंदे ने तो मुझे बोला कि यार तू इन चक्रों में कैसे फंस गया, हमारा एक फ्रेंड था, वो बोला यार तू इन चक्रों में कैसे फंस गया। तो वो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इन चक्रों में फंसा कैसे, और रियल फंसा या क्या हुआ अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो उस समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिस समय मैं अपनी एजुकेशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहा था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से BHU से, उस समय ये इंडस्ट्री मुझे देखने का मौका मिला। मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, जब मैंने कुछ दिन बाद इस इंडस्ट्री को डिटेल में देखा तो इतनी समझ में आ गई थी कि शायद मेडिकल कैरियर से मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ और इस इंडस्ट्री से मैं अपने साथ साथ हजारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल सकता हूँ। ये चीज़ मोटा मोटी चीज़ें समझ में आई थी, और इस इंडस्ट्री में मैं आ गया, जुनून ऐसा चढ़ा। अब बताया ना कि आदत रही थी कि जहाँ भी रहना नंबर वन रहना, जुनून ऐसा चढ़ा कि मैंने उस पढ़ाई को क्विट कर दिया, क्योंकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा था, मैं ना यहाँ अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रहा था ना एजुकेशन के ऊपर, तो मैंने उस एजुकेशन को साइड किया और फिर मैंने ये डिसीजन बनाया कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपनी करियर बनाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि सही प्लेटफॉर्म कहाँ से मिले। मेरे दोस्त, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, इतनी ताकत भी रखते हैं, इतनी मेहनत भी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो आता है एक अच्छे प्लेटफॉर्म के मिलने का। क्योंकि आप कितने भी टैलेंटेड हैं, आप कितने भी मेहनती हैं, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं रहा तो आपकी मेहनत का कोई वैल्यू नहीं होता है। और मैं ऊपर वाले से
एक एक ईंट इस संस्था की नेक नियत के साथ बनी हुई ईंट है, जहां पे लालच नहीं चलता, जहां पे इंसानियत झलकता है। इस संस्था के अंदर कोई भी इंसान अगर करियर लगाता है, उसकी करियर रत्ती परसेंट भी खत्म होने की डाउट नहीं है, अगर उस इंसान में दम है तो, वो इंसान अगर मेहनत कर सकता है तो। इन 5-5.5 साल के सफर में मेरी जिंदगी बदली है, लेकिन मेरे दोस्त ये मैं आपको बता सकता हूं और अपने तरफ से आश्वस्त कर सकता हूं, आपकी भी जिंदगी जरूर बदलेगी, आपकी लाइफ में भी बदलाव जरूर आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं उस फील, उस एहसास को मैं समझ सकता हूं कि एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब हर जगह से थक जाता है तब आता है, तब आता है और इस सोच के साथ आता है कि शायद ऊपर वाले ने कहीं अपना जुगाड़ नहीं किया, हमारा जुगाड़ यहां हो जाए, ये सोच के लोग आते हैं। याद रखना, इसलिए पीएस वेलनेस कोई कंपनी नहीं, एक साक्षात मंदिर है, और जिस तरीके से मंदिर में मांगी हुई हर एक मुराद पूरी हो जाती है, आप सच्चे दिल से एसलीपीएस वेलनेस में ज्वाइन होके अपनी मुराद मांगना, अपने सपने मांगना और अपलाइन जैसा बताता उस तरीके से काम करना, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं यहां बैठे हर एक इंसान के सपने पूरे हो सकते हैं। ये ताकत है इस इंडस्ट्री के अंदर, ये पावर है इस इंडस्ट्री के अंदर। मेरे दोस्त, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि बड़ा होने के बाद 6 डिजिट 7 डिजिट से ज्यादा की इनकम करूंगा, लेकिन ये पावर है इस इंडस्ट्री की कि आज ये इंडस्ट्री 7 डिजिट की इनकम एक एक साल के अंदर दे देती है। आज पिछले एक लॉकडाउन की अगर मैं इनकम की बात करूं तो पूरे लॉकडाउन के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा की इनकम आ चुकी है। ये ताकत है इस इंडस्ट्री की। तो मौका आज सबके पास है, बस अपने मिजाज को हिलने मत देना, अपने माइंडसेट को डाइवर्ट मत होने देना। एक बार दिमाग में बैठा लो, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, ताला लॉक चाबी फेंक दो और तब तक लगे रहो, तब तक काम करते रहो जब तक रियल में इस प्लेटफॉर्म के अंदर आप सबकी जिंदगी ना बदल जाए। क्या आप करने के लिए तैयार हो? कर सकते हो? लोगों से मिलना पड़ेगा, मिल सकते हो? लोग ना बोलेंगे, सुन लोगे? तो मेरे दोस्त, ये वादा है, अपने लिए तालियां बजा लो आज 7वें साल के अंदर कि आने वाले 1 से 2 साल के अंदर यहां बैठे हर शख्स की जिंदगी बदलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों, जोरदार तालियां बनती हैं अमित जी के लिए। Everyone, come on! पीछे जोरदार ताली, everyone! क्या बात है, अब समझ आता है कि राज क्या है इस कंपनी के, इस तरक्की के, इतनी स्पीड से आगे बढ़ने का। ये राज है आप सभी का, ये जोश, आप सभी का ये इंस्पिरेशन, जो कि इसी तरह बरकरार रखेगा